मैंने क्या बोलता है लोकेशन मस्त है एकदम एकदम सही है ना दोनों दादाले वर दोन काली दोन इग्नोर सीधा इग्नोर तो गुड मॉर्निंग गाइस तो कल मैं आया था खेड़ रात को हम लोग की ट्रेन थी 12 बजे की दादर से तो बहुत रश था इसलिए ब्लॉग बनाया नहीं तो यहाँ पे आया हूँ खेड़ तो खेड़ प्रणय भी आया मेरे साथ यहाँ पे तो हम लोग उसके घर पे रुके क्योंकि खेड़ स्टेशन से उसका घर बहुत नज़दीक है तो वहाँ पे रुके तो यहाँ पे अभी फटाफट थोड़ा फ्रेश व्रेश होएंगे और फिर मामा के घर पे जाना है मतलब मेरे घर पे तो चलते हैं फटाफट गाँव में और गाँव जैसा ब्रश ना करे एक्चुअली ब्रश भूल गया हूँ घर पे तो ऐसा करना पड़ रहा है और ये प्राणी का चाचा है और यहाँ पे कृष्णा भगवान की पेंटिंग है गाइस ट्रस्ट मी ये सच में पेंटिंग है मेरे को ट्रस्ट नहीं हुआ और ये किचन है प्राणी लोग का और ये दादी है प्राणी की जो खाना बना रहे हैं हम लोग के लिए और यहाँ पे हम लोग खाना खा के निकलेंगे फटाफट और यहाँ पे पड़वी है जिसको हम लोग हिंदी में अंगन बोलते हैं खाने में हम लोग के लिए काजू की सब्जी है जो मार्केट में बहुत महंगी मिलती है वो हम लोग के कोकन में मिलती है तो हम लोग निकल गए अभी मामा आया है बट हम लोग बाइक से जा रहे हैं प्रणय के काका की बाइक है स्प्लेंडर तो उससे जाएंगे अभी गाँव घर पे जाके नहाना वाना भी है फटाफट निकलते हैं और एक मंदिर में भी जाना है जो डोंगर पे ऊपर सो दिखाता हूँ आपको सब अरे मैडम कभी आ गई तो ये बाइक है हम लोग को बाइक देना है इसलिए पहुँच रहे बाय द वे स्प्लेंडर नहीं है शाइन है प्रणय का बड़ा वाला घर बन रहा है यहाँ पे हम लोग अभी निकल गए हैं बाइक से अभी कम से कम 20-30 किलोमीटर है मेरा गांव यहाँ से इसके घर के यहाँ से तो टाइम लगेगा थोड़ा और बहुत ज़्यादा धूप है ठंडी का मौसम है बट बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है सो चलते हैं फटाफट आपको बताता हूँ कोकण रेलवे यहाँ से जाती है यहाँ पे आगे खेड़ स्टेशन है और यहाँ पे ये ब्रिज है आगे गोवा है हम लोग रात को ये रोड से आए थे पूरा अंधेरा शाम सुन का कोई भी नहीं था एकदम अंधेरा था तो हम लोग कम से कम कितने बजे उतरे कल रात को साढ़े चार बजे ट्रेन से उतरे और घर पे आते आते 5 बज गया लेफ्ट लेना है ना यही है ना ये आगे वही है टनल है आगे काय करतोय बसलाय दादाला ए टकलू केस हां अभी घर पे आके सब फ्रेश वेश हुआ नहा लिया फटाफट तो अभी सब सात्विक रेडी हो रहा है और अभी चलना है टेंपल भोले बाबा के टेंपल में चलना है ऑलमोस्ट आफ्टर 2 months ऑफ नो जिम फिर भी थोड़ी बहुत बॉडी है कंडीशन में है तो हम लोग अभी निकल गए विद हीरो बाबो कुछ चल लो अपन हिराला चल पप्पा चलो अब चल चलिए ये तो कूड़े हाँ इग्नोर सीधा इग्नोर टाइम लाए माजी तू भी है घर आता जूर तो व्यू मैन तो इधर मैं सेकेंड टाइम आया हूँ वैसे बट पहले आया था तब बहुत छोटा था मैं और व्यू देखो आप जस्ट लुक एट द व्यू
और यहाँ पे हम लोग अभी जाने गए ऊपर, यहाँ पे ऊपर जाने गए, यहाँ तक बहुत ऊपर तक आए, लाइक मतलब जिसके पास गाड़ी है वो ऊपर तक लेके आ सकता है, वरना नीचे से चल के भी आते हैं लोग। वो ना कितनी वर्ती है ना, खाली है रहता ऊपर में आलो अपन पेपर में खाएंगे। हाँ हेलो, यहाँ पे सब गाड़ी वाड़ी लगा है और यहाँ से चलना है, इतना चलना है, सिर्फ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। और यहाँ पे सामने मंदिर है, भोले बाबा का मंदिर है, और बहुत सही मंदिर है, एक मतलब जो लोकेशन है ना, सीरियसली मैंने क्या बोलता है लोकेशन, हाँ मस्त है, एकदम एकदम सही है ना। कितना ऊपर है हम लोग देखो, पहली बार है, बहुत ऊपर है, पर दिस टाइम हम लोग ट्रैकिंग करके नहीं आए, गाड़ी से है, गाड़ी से है, बाप रे बाप। जस्ट लुक एट द व्यू मैन, सब बहुत सही व्यू है। हाँ धूप बहुत है, एग्जॉस्ट होने आएगा पूरे। बाबू झोपला है, झोप कर ली तू, झोप कर ली। हाँ पढ़े पकड़ा काय करतो, काय करतो दादा, उको उको मला उको, दोन दादाले वर दोन खाली दोन, काय करतो काय करतो दादा, उको उको मला उको, दोन दादाले वर दोन खाली दोन। कृपया करून एक 10 मिनिट आलेल्या भाविकांनी पालखी आत्मजी मंदिरामध्ये जाईल तरी कृपया करून 10 मिनिट आलेल्या भाविकांनी सहकार्य करून सहकार्य करावं मंडळाचं, ग्रामस्थांना सहकार्य करावं असं मी आपल्याला विनंती करतो। 10 मिनिट पालखी मंदिरामध्ये भेट झाली, और यहाँ पे लगता है हम लोग 2 दिन के लिए आए गांव में, और हम लोग पूरा टैन होके जाने वाले, मतलब ज्यादा घूम नहीं रहे पर थोड़ा अभी धूप में निकल रहे ना तो टैन हो रहा है, लगता है अभी फुल हैंड का टी शर्ट पहनना पड़ेगा, जैकेट लाए और कैप भी नहीं लाए, फिर ग्लेयर्स भी नहीं लाए, कुछ भी नहीं लाए, बट मंदिर बहुत सही था। मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ, मेरे को याद है मामा के साथ, बहुत छोटा था तभी, बट अभी थोड़ा चेंज हो गया है, अभी मंदिर बना है और बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत ऊपर है हम लोग, लाइक व्यू बहुत सही है, धूप भी बहुत सही है, और धूप भी बहुत सही है। इधर 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 पढ़े ये होने ना, वहाँ पे मंचूरियन ले रहे, और यहाँ पे हम लोग ने कार पार्किंग यहाँ पे किया है, और ये रघु मामा है, जहाँ पे कार पार्क की है उसके सामने व्यू देखो आप। हम लोग पीछे बैठे हैं क्योंकि हम लोग को 2 जन को आगे वाले सीट में जगह नहीं हो रही है, और ऑलरेडी यहाँ पे भी है बैठे हुए, तो मैं और प्रणय पीछे बैठे, इसको देख इसको, और रघु मामा भी है। बाबू कसा बसला है, खा तू बिंदास, बिंदास खा तू, दोन दातांनी खा पटकन। तो चार्जिंग भी नहीं थी तो घर आ गए, घर आके खाना खा के सो गए फिर, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि रात भर सोए नहीं थे और बहुत ज़्यादा थके थे तो सो गए। अभी कितना बज रहा है, अभी 6:30 हो रहा है।
बट काफ़ी सनलाइट बहुत प्यारी आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ मैं। और प्रणय अभी तक सोया है तो उसको उठाता हूँ और फिर चलते हैं हम लोग कहीं, तो घूम के आते हैं। अभी तक सोया है प्रणय। अरे चल, क्या सोया है, चलते किधर बाहर। कितना बज गया है? 6:30 बजने आया। सो रहा है? अरे हम लोग सब अभी शाम हुई है तो वॉक पे निकले, ये लोग हम लोग को घुमाने लेके जा रहे हैं। और क्या व्यू है, बहुत सही लग रहा है प्रणय एकदम व्यू। वैसे अभी कितना बज रहा है? 7 बज रहा है। 7। और करवंद, और हम लोग इधर करवंद तोड़ने आए। करवंद को मतलब हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, और इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, बट वो काला काला जैसा होता है और टेस्टी लगता है, बहुत सही लगता है वो। और इधर ऊपर वाले रोड पे कंस्ट्रक्शन चालू है। यहाँ पे किसका घर है पता नहीं, बट क्या ही लोकेशन पे घर है इनका। देखो यहाँ पे घर है और यहाँ से व्यू देखो। और ये लोग हम लोग को वो काला वाला में जो आपको बोला, जो फ्रूट बोर होता है, वो अभी नहीं मिल रहे हैं। पर मतलब बहुत अंधेरा हो रहा है, इसमें आपको उजाला दिख रहा है वीडियो में, बट थोड़ा अंधेरा हो गया है तो मैं उन लोगों को बोला कि नहीं जाना है वहाँ पे। सो चलते अभी रिटर्न वापस, सब चिंटर विंटर घुमा रहे हम लोग को। तो अभी आज के लिए इतना ही। सो व्लॉग कैसे लगा हो कमेंट में बताना। सो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। सपकराइज़।